हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं किदार घाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से, मेरा नाम है आशा। मैं आ गई हूँ लकड़ी वाले किचन में। तो आप नमक पीसेंगे पहले और नींबू की खटाई बनाएंगे। तो पहली बार बना रहे हैं हम नींबू की खटाई, आप वीडियो में बने रहना। और पहले हम सिलौटे में नमक पीसेंगे। केदार घाटी का मौसम अच्छा है, बादल भी छाए हैं और अच्छी धूप भी खिली है। तो पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम को बारिश आ जाती है। ये ला गई मैं नींबू और गुड़, और यहाँ पर है ये नारियल की कटोरी है। अब पीसेंगे नमक। नमक भी इस सिलोटे में रखा है और सब चीज़ घर का है। जीरा हो गया, वो हल्दी हो गई, और ये लहसुन के पत्ते हो गए, धनिया के पत्ते और मिर्च और लहसुन की कलियाँ, सब घर का है। पत्थर का बना रखा है और ये भी पत्थर का है, पीसने का, नमक पीसने का भी। और ये सिलोटा भी पत्थर का है, ये घर में बनाया है घन सबल से। और ये मोनिका पीस रही है यहाँ पर नमक। तो ऐसे पीसे जाता है पहाड़ों में नमक, और ये मनुए की रोटी में भी खाने के लिए अच्छा होता है ये नमक। अब खेतों में ले जाएंगे हम इस नमक को रोटी खाने के लिए। केदार घाटी में तो अब बारिश लगने वाली है, हवा चल रही है बहुत ज़बरदस्त, और आसमान भी भयंकर और पूरा बादल छाए गए हैं। शाम को तो ज़रूर बारिश लगी, हवा चल रही है। केदार घाटी का तो कोई भरोसा नहीं है मौसम का, आप लोग देख सकते हो ऐसा हो रखा है। अंधेरा अंधेरा हो गया, कहीं कहीं धूप भी लगी है, और तरसाली में तो बारिश लगने वाली है। अंधेरा हो गया है, तरसाली में बारिश लगेगी तो हमारे यहाँ भी ज़रूर बारिश लगती। और मोनिका ने भी नमक पीस दिया है, ऐसा पीसा जाता है नमक पत्थर के सिलोटे में। स्टील की थाली पे हमने दो नींबू भी निकाल दिए हैं, आज इसी की खटाई बनेगी। तो सबसे पहले हम जो है ये नींबू के बाहर के जो ये छिलके हैं इसको वो करेंगे, हम निकालेंगे फिर बनाएंगे नींबू की खटाई। फर्स्ट बार बना रहे हैं हम नींबू की खटाई, यहाँ बनाई मैंने मैके में तो बना दी थी, पर यहाँ नहीं बनाई ससुराल में। आप फर्स्ट बार बना रही हूँ मैं नींबू की खटाई, तो कैसे बनती आप लोग वीडियो में बने रहना। और छिलके निकाल दिए हमने, अब नींबू वो करें अलग अलग पीस कर रहे हैं नींबू के। और नींबू बारीक करके मैंने गुड़ और चीनी भी डाल दिया है, और ये सिलवटे से पीसा हुआ नमक है, इसको अब ऐसे रालेंगे हम अच्छी तरह से। अच्छी, और ऐसे राल दिया मैंने, मिक्स कर दिया पूरा, और ऐसे बनता है नींबू की चटनी, खटाई मिनी नींबू की खटाई। और ऐसे बनती नींबू की खटाई, और आप लोग भी ज़रूर बनाना। पिसा हुआ नमक, चीनी और गुड़ और छिले हुए नींबू, ऐसे बनाना, और आप लोग भी आ जाओ। और आज की वीडियो पर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय।